स्टार्ट करेंगे एक बार अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड के रिवीजन से। फर्स्ट टाइम आया गया वो आपके सिलेबस में मई 2024 अटेम्प्ट के लिए, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, कम से कम 2 या 3 मार्क का इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। चलो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला डेफिनेशन क्या है? एजेंट। एजेंट यानी कि कौन? एक ऐसा बंदा जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे या तो इनवर्ड सप्लाई ले रहा है यानी कि परचेस कर रहा है, या तो आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है यानी कि माल बेच रहा है, उसको अपन बोलते हैं एजेंट। फिर जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बस वही देखेंगे। फिर अगला पॉइंट क्या आता है आपका? टैक्सेबल सप्लाई। वो आउटवर्ड सप्लाई जिसके ऊपर आप लोग आपके रेसिपिएंट से टैक्स को कलेक्ट करते हो उसको बोला जाता है आपका टैक्सेबल सप्लाई। प्लेस ऑफ बिजनेस। प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि ऐसी जगह जहां से बिजनेस को आप लोग कैरी करते हो जिसके अंदर आपका क्या आता है, वेयर हाउस बोलो, गोडाउन बोलो, यानी कि पर्सन जहां पे अपने गुड्स को स्टोर करता है वो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस कैटेगरी के अंदर आता है। या तो प्लेस ऑफ बिजनेस जहां पे एक बंदा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है। एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी का समझो क्या था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, लेट से महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पुणे में उसका क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एंड पुणे से थोड़ा दूर गया, किधर गया, लेट से मुंबई, तो मुंबई में उसका हेड ऑफिस है, तो मुंबई भी उसका क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस। चलो, या तो प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन इज एंगेज इन बिजनेस थ्रू एन एजेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, यानी कि अगर कोई भी एजेंट को अपन ने अपॉइंट किया है वो कहीं पे बिजनेस कर रहा है वो भी आपका बन जाएगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। फिर एक आता है टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन मतलब जो बंदा या तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या तो अंडर सेक्शन 22 या अंडर सेक्शन 24 ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, उसको बोलेंगे अपन टैक्सेबल पर्सन। फिर आ गया आपका रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्स पेयर, डॉक्यूमेंट, वाउचर, ठीक है। फिर ये पॉइंट किसकी बात कर रहा है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप लोग गुड्स एंड सर्विस दोनों को दे रहे हो तो उसको अपन बोलेंगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को क्या मानते हैं अपन, सप्लाई ऑफ सर्विस, किधर लिखा है, शेड्यूल 2 पैरा 6 क्लॉज ए। फिर देखेंगे अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को मेंटेन करना है उसके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। एक बात को ध्यान से समझना, इधर एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अच्छा, अगर मैं समझो सिर्फ महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहा हूं और मेरे महाराष्ट्र में 5 अलग अलग यूनिट्स है तो मुझे सिर्फ महाराष्ट्र में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कितनी जगह पे, एक। अगर मेरी इच्छा है मुझे 5 जगह पे रजिस्ट्रेशन लेना है तो मैं 5 जगह पे भी ले लूंगा, बट ये 5 जगह में से मेरा एक ही जगह रहेगा जहां पे मेरा हेड ऑफिस रहेगा यानी कि जो मेरा मेन यूनिट रहेगा उसको अपन बोलेंगे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और जो बाकी के यूनिट है जहां पे आप लोग बिजनेस कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे अपन, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। तो कॉमनली मतलब ये बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट है ये सभी लोगों को मेंटेन करने जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ऑफ कोर्स इफ एप्लीकेबल तो ही मेंटेन करना है, अगर एप्लीकेबल नहीं रहेगा तो मेंटेन नहीं करोगे। उसके अंदर नंबर 1 पे क्या है आपका, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। कौन से गुड्स आपने मैन्युफैक्चर किए, जो भी गुड्स या सर्विसेज का आपने इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई किया। इनवर्ड सप्लाई यानी कि अगर आपने आपके बिजनेस के लिए कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा या जो भी चीजें बेची उन सबका डेटा आपको मेंटेन करना है। फिर आपके पास स्टॉक ऑफ गुड्स यानी कि आपके इन्वेंट्री कितना है वो मेंटेन कर लो। फिर कितना आईटीसी आप लोगों ने अवेल किया ऑन अकाउंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई एंड ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स पेड अंडर आरसीएम उसको मेंटेन कर लो। फिर आता है आउटपुट टैक्स पेबल एंड पेड। अच्छा, आउटपुट टैक्स पेबल का क्या मतलब है, मैंने माल बेचा, सामने वाले से टैक्स कलेक्ट किया, ये बन गया मेरे लिए पेबल अमाउंट। क्या बन गया ये, पेबल अमाउंट। ये किधर दिखेगा, मेरे जीएसटीआर 1 में दिख जाएगा, बट फाइनली मैंने उसको कितना पे किया अंडर सेक्शन 39 यानी कि जीएसटीआर 3 भी, उसका भी डेटा मेंटेन करके रखो। फिर आता है बाकी के कोई डिटेल अगर मुझे गवर्नमेंट ने बोले तो उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर मेरा एक से ज्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस है यानी कि एक बन गया मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, दूसरा बन गया मेरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, सब जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स को मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी मेंटेन कर सकता हूँ। हाँ, एकदम इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट ध्यान से सुनना, जीएसटी की प्रोविजंस भले ही सिर्फ जीएसटी के रजिस्टर्ड पर्सन या तो लायबल फॉर रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि जीएसटी के सारे प्रोविजन टैक्सेबल पर्सन को लगती है, बट ये जो प्रोविजन पढ़ रहे अपन अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड ये ऐसे 2 बिजनेस ओनर्स को भी लगती है भले ही वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ना रहे। ऐसे कौन से 2 बिजनेस ओनर है, एक है वेयर हाउस वाला, अगर मैं वेयर हाउस को ओन कर रहा हूं या ऑपरेट कर रहा हूं, अच्छा डिफरेंस क्या है, ओनर मतलब मैं खुद मालिक बन गया उसका,
ऑपरेटर यानी कि वेयरहाउस किसी और पर्सन का है, मैंने उसको बस चलाने के लिए लिया है, मैं बन जाता हूं ऑपरेटर। तो अगर मैं वेयरहाउस का ओनर हूं या ऑपरेटर हूं, या फिर मैं क्या कर रहा हूं, ट्रांसपोर्टर हूं, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करा रहा, भले ही मैं जीएसटी का टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं, फिर भी गवर्नमेंट ने मुझे सर्टन डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने के लिए कंपल्शन किया, एंड आई एम लायबल टू मेंटेन ऑल ऑफ दिस रिकॉर्ड्स। उसके बाद में अगला क्या पॉइंट आता है, कमिश्नर और भी कोई टैक्सेबल पर्सन को नोटिफाई करेगा एडिशनल अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट को मेंटेन करने के लिए, क्या है पढ़ लेंगे अपन थोड़ी देर में। चलो उसके बाद में चालू करते हैं, हु इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, किधर मेंटेन करेगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे, और अगर एक से ज्यादा उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करेगा। क्या क्या मेंटेन करेगा ये अपन ने अभी देखा है, बट डॉक्यूमेंट कैसे रहने चाहिए आपके, जो आपकी ट्रू एंड करेक्ट अमाउंट बता रहे, यानी कि ऐसा ना हो आपने स्टॉक ऑफ गुड लिख दिया है, कितना लिखा है आपने स्टॉक ऑफ गुड 1 लाख, और एक्चुअल में आपके पास गुड्स कितने हैं 80,000, वैसा नहीं होना चाहिए। जितना आपके पास एक्चुअल में गुड्स है उतना ही डेटा, मतलब उतना ही आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी दिखना चाहिए। सिमिलरली जितना रुपीस का आपने परचेस किया उतनी ही रुपीस का परचेस आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखना चाहिए। अगला पॉइंट किसकी बात कर रहा है, एडिशनल रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय स्पेसिफाइड पर्सन आर एज अंडर, एक रजिस्टर्ड पर्सन को गवर्नमेंट ने और क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए बोले हुए। तो सबसे पहले क्या मेंटेन करने बोला हुआ है, अगर कोई भी गुड्स या सर्विस तुम लोग इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो या इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हो, अच्छा इंपोर्ट करने का क्या मतलब आ गया, इंडिया के बाहर से इंडिया में लेके आ रहे हो, और एक्सपोर्ट का क्या मतलब है, इंडिया से इंडिया के बाहर बेच रहे हो, उसके भी डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर कोई भी आप लोगों का ऐसा सप्लाई है जो आरसीएम पे टैक्सेबल है, आरसीएम पे टैक्सेबल यानी कि आपने इनवर्ड सप्लाई किया है और आपको ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, या तो अगर आपने आउटवर्ड सप्लाई किया है और टैक्स किसको पे करना है, आपने जिसको माल बेचा यानी कि रेसिपिएंट को टैक्स पे करना है, वो भी डेटा आप लोगों को अलग से मेंटेन करना पड़ेगा। फिर आते हैं सेपरेट अकाउंट ऑफ एडवांस रिसीव्ड पेड एंड एडजस्टमेंट मेड देयर टू। मान लो अगर आपने कोई भी सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए एडवांस दिया या आपको एडवांस मिला है, तो वो एडवांस के ऊपर आपने गवर्नमेंट को टैक्स दिया रहेगा, आपको उसका डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है। फिर बाद में फाइनली उसका एक ओरिजिनल इनवॉइस इशू होगा, लेट से आपका इनवॉइस था टोटल कितने रुपीस का इनवॉइस था, 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का क्या है मेरा इनवॉइस, और उसके अगेंस्ट मैंने पहले एडवांस दे के रखा हुआ है, कितने रुपीस का एडवांस दिया मैंने 20,000 रुपीस का। तो मैं बोलूं जब मैंने 20,000 रुपीस का एडवांस दिया तो मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। बाद में मैंने इनवॉइस कितने रुपीस का मिल रहा है मुझे, 1 लाख रुपए का, बट बाद में मुझे 1 लाख पे टैक्स देने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी 20,000 पे टैक्स दिया हुआ है। तो मैं एडजस्टमेंट करने के बाद में कितने रुपीस के ऊपर टैक्स दूंगा, 80,000 के ऊपर। ये सब डेटा आप लोगों को मेंटेन करके रखना पड़ता है, समझ रहा है यहां तक सबको। अगला पॉइंट क्या आता है, फिर ये तो बेसिक पॉइंट है कि सप्लायर का डिटेल जिससे तुम्हारे को गुड्स मिले उसका नाम और एड्रेस, फिर आगे आपके रेसिपिएंट का पूरा नाम एंड एड्रेस जिसने आपको गुड्स मतलब आपने जिसको गुड्स बेचे। फिर अगला पॉइंट आता है हर एक वो जगह का कंप्लीट एड्रेस आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है जहां पे आप लोगों ने गुड्स को स्टोर किया रहेगा। वेयर हाउस हो सकता है आपका, आपका गोडाउन हो सकता आपने गुड्स को जॉब वर्क के लिए किसी के पास भेजा रहेगा, उसका भी डेटा आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। साथ ही साथ में आपको क्या मेंटेन करना पड़ता है, स्टॉक ऑफ गुड्स, अच्छा नहीं नहीं सॉरी सॉरी क्या बात कर रही है, अ सप्लायर is required to maintain following records relating to the stock of goods and tax detail. ये बात कर रहे हैं section 9 वाले बंदे की। अगर मैं normal scheme के अंदर हूँ तो जो भी मेरे पास stock of goods यानी कि मेरा inventory है उसको तो maintain करो ही करो, साथ में आपको tax का record यानी कि ITC availed, output tax payable, actual tax paid, ये सब का भी data maintain करके रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप लोग एक ऐसे supplier हो जिसने composition scheme को opt किया यानी कि कौन से section को, सेक्शन 10 को, तो ये फॉलोइंग डेटा आपको मेंटेन नहीं किया तो भी चलेगा। उसके अंदर नंबर 1 पे क्या आता है आपका स्टॉक ऑफ गुड्स यानी कि आपके पास जो भी क्लोजिंग स्टॉक के ओपनिंग स्टॉक है उसको मेंटेन नहीं किया तो भी चलेगा। और आता है डिटेल्स ऑफ टैक्स, बिकॉज बीइंग अ कंपोजिशन डीलर ना तो आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो ना तो टैक्स को अवेल कर सकते हो, तो उसको मेंटेन नहीं किया तो भी चलेगा। अगला पॉइंट आता है आपका एजेंट का, तो एजेंट को हर एक बात का ऑथोराइजेशन मिला हुआ है टू रिसीव द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल और सप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल रहेगा, उसको वो चीजें मतलब वो ऑथोराइजेशन लेटर को मेंटेन करना पड़ता है। लेट से मैंने एक बंदे को अपॉइंट किया एज एन एजेंट, वो मेरे बिहाफ पे रिमोट भी बेच रहा है और वॉचेस भी बेच रहा है,
तो उसके पास ये ऑथोराइजेशन लेटर रहना चाहिए फ्रॉम हिज प्रिंसिपल कि मैंने उसको ऑथोराइज किया है, मेरे बिहाफ पे वॉच भी बेच सकता है, मेरे बिहाफ पे क्या बेच सकता है, दूसरा रिमोट बेच सकता है, ऐसे एक ऑथोराइजेशन का लेटर होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर्स इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्शन वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल। अगर वो मेरे बिहाफ पे कोई इनवर्ड सप्लाई कर रहा है तो कितनी क्वांटिटी का आया, कितनी अमाउंट का आया, कितने वैल्यू का आया, वो सब डेटा उसको मेंटेन करना पड़ेगा। सेम जो भी उसने सप्लाई किया है मेरे बिहाफ पे, कितने रुपीज का सप्लाई किया, कितनी क्वांटिटी सप्लाई की, क्या सप्लाई किया, ये सभी डेटा उसको मेंटेन करना पड़ता है। फिर आता है डिटेल ऑफ अकाउंट्स फर्निश टू एवरी प्रिंसिपल। जो भी उसका एंड मेरा सेटलमेंट का पीरियड था, लेट से हमारा सेटलमेंट होता था क्वार्टरली, तो हर क्वार्टर में जो स्टेटमेंट एजेंट ने प्रिंसिपल को भेजा है उस सब का भी डिटेल अब एजेंट को संभाल के रखना पड़ता है अपने पास। और बाद में आता है टैक्स पेड ऑन रिसीट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज अफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल। अगर मेरे बिहाफ पे एजेंट ने कोई आगे सप्लाई किया है तो उसने कौन से टैक्स पे किए, उन सब का डिटेल मेंटेन करके रखना पड़ता है। बाद में आता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर को जो ऊपर दिए गए हुए रिकॉर्ड्स है, ऊपर दिए गए हुए मतलब कौन से रिकॉर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले, ये जो बेसिक रिकॉर्ड्स है ये सभी तो मेंटेन करना ही करना है, साथ में एडिशनली उसको और एक चीज मेंटेन करनी है जिसको अपन क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल और सर्विस यूज इन मैन्युफैक्चर एंड क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स सो मैन्युफैक्चर। क्वांटिटेटिव डिटेल्स यानी कि क्या, अमाउंट में मेंटेन करके रखो। एग्जाम्पल 5 लीटर का कोई केमिकल लग गया, 10 किलो का कोई रॉ मटेरियल लग गया, तो कितना क्वांटिटी में लगा है उसको रॉ मटेरियल, उसको मेंशन करके रखो, और उससे अपने कितने क्वांटिटी का फिनिश गुड्स बनाया है वो भी आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है। बात चालू है किसकी, मैन्युफैक्चरर की, उसको ये सब डेटा मेंटेन करना पड़ता है। फिर आता है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर में एग्जाम्पल ले लो CA, CS, CMA ऑफिस, उनको भी क्या डेटा मेंटेन करके रखना पड़ता है, क्वांटिटेटिव डिटेल ऑफ गुड्स यूज्ड इन द प्रोविजन ऑफ सर्विस, डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विस यूटिलाइज्ड फॉर द सर्विसेज सप्लाइड। यानी कि समझो एक सीए के ऑफिस के अंदर क्या क्या रॉ मटेरियल लग सकता है, लेट से पेन वगैरह लग सकते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का आइटम्स लग सकता, तो ये सभी डेटा उसको क्वांटिटी में क्या करना पड़ता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है। फिर आता है पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब गुड्स एंड सर्विसेज दोनों यूज होते हैं उसकी बात चालू है, तो उसके अंदर रजिस्टर्ड पर्सन जो कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको शैल कीप अ सेपरेट अकाउंट फॉर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट शोइंग। यानी कि जहां जहां पे उसका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसको एक अलग से अकाउंट में क्या क्या बता के रखना पड़ता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑन हूज बिहाफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड। मान लो कल जाके मैंने केपी में एक बंगला बनाने का ऑर्डर दिया, तो उसको वो संभाल के रखना पड़ेगा कि केपी में किसके नाम का बंगला बन रहा है, यानी कि मेरा नाम, मेरा एड्रेस। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड्स और सर्विस रिसीव्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि मेरा बंगला बनाने के लिए उसने कितने अमाउंट का सीमेंट लिया, कितने अमाउंट का इंटीरियर का सर्विस लिया, कितने अमाउंट का आर्किटेक्ट का सर्विस लिया, वो सबका डेटा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। फिर आएगा डिस्क्रिप्शन वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस यूटिलाइज इन एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितने रुपीज का उसको मटेरियल यूज करना पड़ा, कितने अमाउंट का लेबर लेना पड़ा या और कोई सर्विस लेना पड़ा, वो भी मेंटेन कर लो। डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। मान लो कॉन्ट्रैक्ट था 1 करोड़ रुपए का, हर महीने में 10-10 लाख रुपए दिए जा रहे थे, तो जो भी पेमेंट मिला है उसकी डिटेल को मेंटेन करके रखो। और लास्ट में आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर्स फ्रॉम हुम ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज, यानी कि जिससे भी मटेरियल खरीदे उसका डेटा मेंटेन करके रखने का। फिर अगला पॉइंट किसकी बात करता है, कस्टोडियन और क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। कस्टडियन का क्या मतलब है, जिसके पास अपने आपके गुड्स को संभालने के लिए दिया रहता है। क्लियर एंड फॉरवर्डिंग एजेंट कौन रहते हैं, तो ध्यान से सुनो, अगर मैं गुड्स इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ या इंडिया के बाहर से इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो कई सारे कस्टम्स के प्रोसीजर को आपको फुलफिल करना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ता है, बिल ऑफ एंट्री पे करना पड़ता है, या तो एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो शिपिंग बिल को फाइल करना पड़ता है, उसके ऊपर जीएसटी का पेमेंट करना है, तो ये सब काम करने के लिए एक अलग से स्पेशलाइज एजेंसी रहती है जो आपके बिहाफ पे ये सब काम करके देते हैं, उनको बोला जाता है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। और कस्टडियन का क्या मतलब है, आपके बिहाफ पे कोई तो गुड्स को संभाल रहा है, तो इन लोगों को क्या संभाल के रखना पड़ता है, ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स हैंडल्ड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन एंड शैल प्रोड्यूस द डिटेल्स देयरऑफ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय ऑफिस।
यानी कि उसने किस कौन से पर्सन के बिहाफ पे गुड्स को स्टोर किया है, या तो कौन से पर्सन के बिहाफ पे गुड्स को इंपोर्ट किया है, या तो किसके गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा हूं, उन सबका डेटा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। फिर अगला पॉइंट आता है ओनर एंड ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस गोडाउन एंड ट्रांसपोर्टर। एवरी ओनर और ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस और गोडाउन और एनी अदर प्लेस यूज फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड एवरी ट्रांसपोर्टर इरिस्पेक्टिव, ये बात को ध्यान से सुनना, इरिस्पेक्टिव वेदर ही इज रजिस्टर्ड पर्सन और नॉट शैल मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ कंसाइनर। कंसाइनी, कंसाइनर मतलब कौन, माल बेचने वाला, कंसाइनी मतलब कौन, जिसको माल बेचा जा रहा है, एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ गुड्स इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। एनरोलमेंट इफ नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, अगर जीटीए या वेयरहाउस वाला बंदा जीएसटी के साथ रजिस्टर्ड नहीं भी है, उसको जीएसटी में अपने आप को क्या करना पड़ेगा, एनरोल करना पड़ेगा, यानी कि पोर्टल पे बताना पड़ेगा, बाबा मैं वेयरहाउस हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ ये बंदे का गुड्स मैंने मेरे पास संभाल के रखा हुआ है, या तो मैं जीटीए हूं, मैं ये बंदे का माल लेके जा रहा है, ये बंदे को माल देने वाला हूं, मेरा काम है सिर्फ गुड्स को ट्रांसपोर्ट कराने का, आपको अपने आप को इसे एनरोल कराना पड़ता है। क्लियर है क्या यहां तक? चलो अगला किसकी बात चालू कर रहा है, ट्रांसपोर्टर को और एडिशनल डिटेल्स में क्या मेंटेन करके रखना पड़ता है, रिकॉर्ड ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड, कौन सी चीज लेके जा रहा उसको मेंटेन करके रखो, कौन सी चीजों की डिलीवरी हो गई उसको मेंटेन करो, एंड बाद में क्या आता है, गुड्स स्टोर्ड इन ट्रांजिट। अगर मेरे गुड्स मुंबई से दिल्ली के लिए निकल रहे तो जरूरी थोड़ी ना कि वन स्टॉप में गुड्स दिल्ली पहुंच जाएंगे, बीच में मैंने हॉल्ट ले लिया, इंदौर में मैं रात को रुका हूं, तो जब मैं रुका हूं तो मेरे कौन से गुड्स मेरे गाड़ी में, इन सब का डेटा मेरे को मेंटेन करके रखना पड़ता है। फिर आता है ओनर ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस एंड गोडाउन, इनके लिए ध्यान से सुनना, इनको डेटा कैसे मेंटेन करके रखना पड़ता है, आइटम वाइज एंड ओनर वाइज एंड शैल फैसिलिटेट एनी फिजिकल वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन बाय प्रॉपर ऑफिसर ऑन डिमांड। यानी कि अगर मेरा वेयरहाउस है, मेरे को सबसे पहले गुड्स को है ना ओनर वाइज अलग करना पड़ता है, और जो मैंने एक बंदे के गुड्स रखे है ना उसको आइटम वाइज भी बाइफर्केट करके रखना पड़ता है। सिंपल रीजन है, अगर कल जाके ऑफिसर मेरे पास आया एंड ऑफिसर ने बोला कि ये सैमुअल एंथनी जो बंदा है ना ये कुछ तो झोल कर रहा है, मेरे को डाउट आ रहा है, इसके गुड्स किधर रखे हुए मेरे को बता, तो मैं सीधा बोलूंगा ये देखो इधर सैमुअल एंथनी के गुड्स है, तो फिर वो डायरेक्टली जाएगा उसके गुड्स को चेक करेगा एंड देखेगा कि जितना वो बंदे ने बोला एक्चुअल में उतने ही गुड्स यहाँ पे स्टोर है या नहीं है। बाद में आता है रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करोगे, रिकॉर्ड आपका क्या रहना चाहिए, सीरियली नंबर रहना चाहिए, वो तो बेसिक है 1 2 3 4 वगैरह जो रहेगा। डेटा को आप लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी मेंटेन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ध्यान से सुनना, अगर ऑफिसर ने आपसे डेटा मांगा तो आपको वो डेटा उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली भी प्रोड्यूस कर सकते हो या आपको मैन्युअली भी प्रोड्यूस कर सकते हो। जब भी आप लोग डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करते हो आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ता है जो भी आपके इसमें वायरस आएगा या डेटा लॉस हो सकता है वो ना हो, यानी कि एप्रोप्रिएट बैकअप रहना चाहिए आपके पास। कोई भी एंट्री आपकी इरेज या ओवर रिटर्न नहीं होनी चाहिए। इरेज का क्या मतलब है, ये लिखा था एक अमाउंट इसको बाद में रब कर दिया, इसको बोलते हैं इरेज नहीं होना चाहिए। और ओवर रिटर्न का क्या मतलब हो गया, ऐसे लिखा हुआ है बाद में इसी को कर दिया मैंने ऐसे, ये नहीं होना चाहिए। यानी कि डेटा एक बार आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर हो गया तो फाइनल हो गया। हाँ, अगर गलती से एंटर हो गया तो उसको रिवर्सल करने की बात अलग है, बट उसको डिलीट मत करना। फिर आता है ये अगला पॉइंट, अगर आप लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं किया तो क्या होगा, तो ये सेक्शन 73-74 में जाएगा। सेक्शन 73-74 फाइनल में डील करोगे आप लोग, किसकी बात करते हैं, इन शॉर्ट बता दो, 73 मतलब आपसे गलती हो गई, जान पूछ के नहीं किया था, हो गया गलती से हो गया। 74 किसकी बात करता है, आपने पर्पसफुली कोई काम गलत किया, ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है इसका, पीरियड ऑफ रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कितने टाइम के लिए संभाल के रखना पड़ता है। एंड सब लोग जो भी घर पे लेक्चर देख रहा है, जो भी क्लास में देख रहा है, सीधे बैठेंगे सब लोग अभी, ठीक है, थोड़ा सा नींद में से बाहर आने की कोशिश करो, आखिरी के 2-2.5 मिनट है, खत्म हो जाएगा अपना पॉइंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कब तक मेंटेन करना है, तो ये रहा स्क्रीन के ऊपर, मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लिख के रखा हुआ है, एक ही मिनट, ये देख लो। अरे अभी कौन सा करंट फाइनेंशियल ईयर चालू है, करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा चालू है, 23-24, ध्यान से सुनना, 23-24 फाइनेंशियल ईयर, इसका एनुअल रिटर्न का डेट क्या आएगा, 31 दिसंबर 2024, ये रहा मेरा एनुअल रिटर्न का डेट। तो एनुअल रिटर्न के डेट से 72 मंथ्स तक बुक को संभालना है, कितने मंथ्स तक, 72, यानी कि कितने साल हो गए, 6 साल, कितने साल हो गए,
छह साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है, साल खत्म होने के बाद में नहीं। कहां से टाइम चालू होता? एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से। एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट यूजुअली क्या रहता है? 31 दिसंबर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर। और अगर इधर गवर्नमेंट ने उसको 3 महीने एक्सटेंड कर दिया रहता था, तो जो एक्सटेंडेड टाइम है वहां से अगले 6 ईयर यानी कि 72 मंथ। एग्जाम में 6 ईयर मत लिखना, एग्जाम में क्या लिखोगे आप लोग? 72 मंथ्स। मार्क्स 72 मंथ्स को मिलने वाले। कितने टाइम के लिए संभालना पड़ता है? 72 मंथ्स। कहां से? फाइनेंशियल ईयर के एनुअल रिटर्न के ड्यू डेट से। अच्छा सर, अगर मैंने एनुअल रिटर्न पहले फाइल किया रहता तो वहां से 72 मंथ्स चालू होते हैं क्या? नहीं, 72 मंथ्स कहां से चालू होते हैं? एनुअल रिटर्न के ड्यू डेट से स्टार्ट होते हैं। क्लियर है? या तो अगर मान लो मेरा कोई भी केस है ना, कोई भी अपील में गया हुआ है, ऑर्डर में गया हुआ है, रिवीजन में गया हुआ है, ठीक है, या तो इन्वेस्टिगेशन के लिए, अपील, रिवीजन, इन्वेस्टिगेशन, कुछ भी हो, तो उसका ऑर्डर आने के बाद में 1 साल तक मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है। या तो 72 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, विच एवर इज लेटर, लेटर यानी कि बाद में वाला पीरियड। एग्जाम्पल से समझ के लो, मेरा एक असेसमेंट चालू था फाइनेंशियल ईयर 23-24 का, केस वन, उसको ऑर्डर कब आता है? 15 अक्टूबर 2029। तो यहां से मेरा 1 साल कब खत्म होता है? 14 अक्टूबर 2030। एंड लेट्स से कौन से साल का ऑर्डर है मेरा? 22-23 का। तो 22-23 का मेरा एनुअल रिटर्न का डेट क्या रहेगा? मैं बोलूं 31 दिसंबर 2023 है, मैंने एनुअल रिटर्न का डेट बन गया। और यहां से मेरे को उसको 72 मंथ्स यानी कि कब तक संभाल के रखना था? 31 दिसंबर 2029। तो ध्यान से सुनना, अगर ऑर्डर मेरा 15 अक्टूबर 2029 को आ रहा, तो वहां से 1 साल यानी कि 14 अक्टूबर 2030 तक संभालो, और ये वाला पीरियड विच एवर इज लेटर, तो लेटर क्या आ रहा है मेरा? 14 अक्टूबर 2030, वहां तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके रख लो। लेकिन अगर ये ऑर्डर आ गया था मेरा 15 अक्टूबर 2028, तो वहां से 1 साल कब खत्म होता? 14 अक्टूबर 2029। बट मेरा एनुअल रिटर्न के हिसाब से क्या टाइम आ रहा? 31 दिसंबर 2029। तो लेटर क्या बन गया? 31 दिसंबर 2029, वहां तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो बाद में जब भी आप लोग स्टडी करोगे ये लेसन के अंदर से ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक तो यही है रिटेंशन वाला, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो एक वेयर हाउस वाला और ट्रांसपोर्टर वाला, दैट्स इट। मोस्टली अगर क्वेश्चन आए तो इसी के ऊपर आएंगे, एंड May 24 एंड November 24 के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये कंसेप्ट फर्स्ट टाइम आपके इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है ना, तो ये जो बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन से मेंटेन करने के रहते, या तो डॉक्यूमेंट्स का जो बारे में पढ़ा था, कौन से गुड्स प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर किए, कौन से गुड्स का इनवर्ड सप्लाई, कौन से गुड्स का आउटवर्ड सप्लाई, ITC अवेल, आउटपुट टैक्स पेबल एंड पेड, टैक्स पेड अंडर RCM, जो भी वो पॉइंट पहले गए उसको याद रखो, वो हो सकता है डायरेक्ट 2 या 3 मार्क को आपको पूछा जाए। क्लियर है सबको? चलो आज के लिए यही पे स्टॉप करेंगे अपन अकाउंट एंड रिकॉर्ड के साथ, सिर्फ एक ही चैप्टर बच रहा है TDS TCS, 1-2 दिन के अंदर आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। See you guys soon. Bye-bye.